हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस मंथन का दौर चलेगा तो सहयोगी दल भी आंखें दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव सर पर है और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दो टूकिए कहा है कि कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए था। कांग्रेस अपना आत्मचिंतन करे, आने वाले राज्यों के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन को के साथ लड़े। महाराष्ट्र में सीएम कैंडिडेट की घोषणा चुनाव से पहले होनी चाहिए। तो यूपी महाराष्ट्र दिल्ली तक चुनावी तनातनी जारी है। दिल्ली में आप अकेले चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस और साथियों में तकरार की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, सहयोगी दलों को अहमियत नहीं दी थी। यूपी उपचुनाव में अब सपा ने लिस्ट जारी कर दी है, अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए। वहीं महाराष्ट्र में सीएम का नाम तय हो, ये उद्धव ठाकरे गुट ने कहा है। बार हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिवसेना यूटीबी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका जी, आपने कल भी सवाल उठाया लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, दूसरी अन्य पार्टियां आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि अगर बेहतर तरीके से गठबंधन धर्म अपनाया जाता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। देखिए, इंडिया अलायंस जो है एक मजबूत अलायंस है। सब लोग एक बात के लिए कमिटेड हैं कि प्रजातंत्र और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम पे है। जो समानता पे विश्वास नहीं रखते, जो रिजर्वेशन पे विश्वास नहीं रखते हैं, जो एक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया पे विश्वास नहीं रखते हैं, ऐसी सोच और विचारधारा इंडिया में नहीं चल सकती है। इसलिए गठबंधन आया तो गठबंधन मजबूती से आगे बढ़े। जैसे जम्मू और कश्मीर में हमने गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड लिया है, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई जीती है कांग्रेस पार्टी ने, तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर हम अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं आगे रखकर कहीं ना कहीं हम अपनी फाइट को अगर कमजोर करेंगे, ये सही दशा नहीं होगी। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि हरियाणा ने एक बड़ा संदेश भेजा है, सभी को भेजा है, और हम अलायंस का धर्म जो होता है और अलायंस को कैसे और मजबूत करें, एक दूसरे के हाथ मजबूत करें, इसकी कोशिश आने वाले चुनाव में चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या दिल्ली हो, उस पर ध्यान रखेंगे। हार के कारणों को किस तरीके से आप देख रही हैं, जो कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में जो स्थिति हुई? मुझे आंकलन करने की जरूरत ही नहीं है, कुमारी शैलजा जी, ये सबका आंकलन चल ही रहा है। वो लोग, आई एम श्योर, वो लोग आपस में इस पे बातचीत करेंगे और सीरियस विचार विमर्श होगा कि एक जीती हुई, जो हम देख रहे थे, एक जीता हुआ माहौल था जहां पे इतना एंटी इनकम्बेंसी था, जहां पे एक आक्रोश था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, एक माहौल ऐसा था जहां जनता उनसे त्रस्त थी, उसको हम कांग्रेस पार्टी क्यों कन्वर्ट नहीं कर पाई, क्यों अलायंसेस बनते बनते रह गए, ये सब एक विचार करने का विषय। और अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जिन जिन सीटों पर लड़ी, उन्होंने चोट पहुंचाई है तो कांग्रेस पार्टी को ही पहुंचाई है। तो ये सारा देखना पड़ेगा कि कैसे एक मजबूत तरीके से उस राज्य का हित आगे रखकर हम काम करें।